खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकरो थाना क्षेत्र और सरायकेला खरसवा जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गितिलपी जोमरो के पास शनिवार की सुबह नक्सली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए। घायल कोबरा 209 बटालियन के एक जवान को गोली लगी है। घायल जवान को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची अपोलो भेजा गया है, जबकि ऑपरेशन में शामिल एक जवान के पैर में चोट लगी है, जिसे एम्बुलेंस से इलाज के लिए चक्रधरपुर लाया गया। वही सूचना मिलते ही सरायकेला एसपी डीएसपी सकलदेव राम, सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट पीसी गुप्ता सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली महाराजा प्रमाणिक और बैदा पुहान का दस्ता जोमरो गितिलपी इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा 209 और सीआरपीएफ द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें शनिवार तड़के सुबह मुठभेड़ हुई। खबर है कि नक्सलियों ने कैंप के आसपास कई जगहों पर लैंड माइंस भी बिछा रखा था, जिसे भी विस्फोट किया गया। दोनों ओर से फायरिंग हुई, कई नक्सलियों के भी घायल होने की बात कही जा रही है। चाईबासा सरायकेला बॉर्डर पे मुठभेड़ की घटना हुई है, जिसमें कोबरा के जवान इंजर्ड हुए हैं, जिनको यहाँ से इवैक्यूएट करके रांची ले जाया गया है। बाकी हम लोग उसके आगे अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का दुबई जाना झारखंड के लिए शुभ संकेत है। इससे नई तकनीक झारखंड में आएगा, जिसका लाभ यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। लक्ष्मण गिलवा ने कहा कि झारखंड में पलायन बड़ी समस्या है और इसे मोमेंटम झारखंड जैसे कार्यक्रमों से ही रोका जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि तीन राज्य में भाजपा की हार का असर झारखंड में नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया तो, लेकिन कोई चूक हुई जिसके कारण हार मिली है, पर हम चुनाव हारे हैं, जमीन नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीतते ही किसानों के कर्ज माफी पर राहुल गांधी पलटी मार गए, जिसका असर पूरे देश में पड़ेगा और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी का कोई समाधान नहीं है, जबकि उन्होंने सरकार बनते ही 10 दिन में कर्ज माफ करने की घोषणा चुनावी सभाओं में की थी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे, लोकसभा और विधानसभा अपने अपने तय सीमा पर होंगे। पार्टी में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, जिसमें विधानसभा नवंबर दिसंबर में ही कराने का फैसला लिया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सीएम रघुवर दास का 19 दिसंबर से 5 दिनों के कोलान द्वारा स्थगित कर दिया गया है, यह कार्यक्रम जनवरी में आयोजित होगा। माननीय रघुवर दास जी ने जब से मुख्यमंत्री की कमान संभाले हैं, तब से लेकर के राज्य में रोजगार के अवसर कैसे सृजन किए जा सकते हैं और यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिए जा सकते हैं, लगातार उसका एक कार्य योजना बना रहे हैं। पिछले दिनों सबको ध्यान में होगा, मोमेंटम झारखंड से उनकी शुरुआत हुई और विभिन्न विभाग में एक प्रकार का समिट भी हुआ। कभी माइंस विभाग का समिट हुआ, एग्रीकल्चर विभाग का समिट हुआ, यानी कुल मिलाकर के सभी प्रकार के विभाग का यहाँ पर सबमिट किया गया। उसके पीछे यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करें, नए नए जानकारी प्रदान करें और यहाँ के पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उसको हम आधिकारिक रोजगार से कैसे जोड़ेंगे। पिछले दिनों तो यहाँ पर बहुत बेरोजगारों को रोजगार दी गई है। देखिए, झारखंड में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मोमेंटम झारखंड के माध्यम से हम पलायन को रोक पाएंगे, ये सरकार का एक अच्छा सफल प्रयास है। कुछ हद तक हमने काबू भी पा लिया है, लेकिन अभी और कुछ काम करना बाकी रह गया झारखंड के लिए। मुझे लगता है दुबई जाने से विभिन्न प्रकार का जो नया जो टेक्नोलॉजी है कौशल विकास के क्षेत्र में, नया टेक्नोलॉजी प्राप्त कर करके झारखंड में इसको लागू करना चाहता है। हमारे लिए और झारखंड वासियों के लिए तो एक शुभ संकेत है कि वहाँ से नया टेक्नोलॉजी आए। हाँ, जैसे अभी इजराइल भेजा गया है यहाँ से, यहाँ के किसानों को दो खेप में सब लोग वहाँ से नया नया टेक्नोलॉजी सीख करके आ गए। कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा किसान कैसे खेती कर सकता है, ये हमारे लिए बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी प्राप्त करके अभी सभी जिलों में एक प्रकार से और लोगों को भी इसका प्रशिक्षण देने वाले लोग, तो मुझे लगता है खेती के क्षेत्र में किसानों की सुविधा में
किसानों की सुविधा के लिए एक अच्छा पहल है। प्रतिपक्ष के समक्ष तो ऐसा कुछ न योजना है, न विजन है, न सोच है, इसीलिए वो तो कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठते हैं इन लोगों के ऊपर कई प्रकार का आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम नया तकनीकी नया टेक्नोलॉजी जो हमारा झारखंड में नहीं है, कई दूसरा कंट्री से हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें क्या गलती है। इसराइल का मैं जैसा भी हमने बात किया कि किसानों के बीच में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है, और कौशल विकास के क्षेत्र में भी यहाँ के युवक और युवतियाँ जो बेरोजगार हैं उसको हम अधिकाधिक यदि रोजगार दे पाएँ इस दुबई के टेक्नोलॉजी से तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगता ही रहता है, इस पर बहुत गौर करने की जरूरत रही है। नया तकनीकी आया, नया टेक्नोलॉजी आया झारखंड में, और उसके माध्यम से हम यदि अधिकाधिक बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ पाएँ, रोजगार दें, यह हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बाद तो तेलंगाना और मिजोरम का ठीक है, जो तीन स्टेट खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाली राज्य थी, जहां भारतीय जनता पार्टी को अब की बार के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। मुझे लगता है कि वहां की तीनों सरकार ने काम तो बढ़िया किया, अच्छा किया है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई होगी, सरकार की चूक हुआ ही होगा, तब जाके इस तरह का रिजल्ट आया। लेकिन हम यह कह सकते हैं इसका असर झारखंड में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग यह भी कहते हैं कि हम चुनाव ही हारे हैं, हम जमीन नहीं हारे हैं। राजस्थान की तो कहानी यह है कि एक बार कांग्रेस होता है, एक बार बीजेपी होता है, मतदाताओं ने उसी को दोहराया है। लेकिन जहां पर मध्य प्रदेश की बात है, लगातार तीसरी बार वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनकर के वहाँ के जनता को सेवा कर रहे थे, लेकिन आज भी उसकी लोकप्रियता जस के तस बनी हुई है। मैं यह कह सकता हूँ कि संयोग है या फिर हमारा एक संयोग ऐसा रहा कि हम चुनाव हार गए। उसकी असर दो स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम नहीं बना पाए, इसकी असर झारखंड में कहीं पड़ने वाला नहीं। सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिला प्रशासन की ओर से इसमें सुधार के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने डिजिटल क्लासेस की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का पहला जिला है। समाहरणालय में एक डिजिटल क्लासरूम या यू कहे की स्टूडियो बनाया गया है, जिसके जरिए जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेस संचालित किया जाएगा। आज इसका लोकार्पण किया गया। सिंहभूम के सांसद लक्ष्मण गिलवा, उपायुक्त अरवा राजकमल, एडीसी जय किशोर प्रसाद और डीडीसी आदित्य रंजन ने इसका लोकार्पण किया। जिस सॉफ्टवेयर टाटा क्लास एज के जरिए डिजिटल क्लासेस संचालित होंगे, उसे जिला प्रशासन ने टाटा स्टील से लिया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत यह शुरुआत की गई है। फिलहाल जिले के 22 हाई स्कूलों में डिजिटल क्लासेस शुरू हो रहा है। आज यहाँ ट्रायल डेमो देखा गया। भविष्य में इसे 50 स्कूलों में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवस्था के शुरू होने से सभी स्कूलों के बच्चे अच्छे शिक्षकों के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। कोई शिक्षक चैवासा में पढ़ाएगा तो सभी 22 स्कूलों के बच्चे उसे देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। आज आकांक्षी जिला कार्यक्रम के द्वारा जिला के 22 ऐसे हाई स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस चलाने का कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन माननीय सांसद महोदय के साथ साथ जिला के वरीय पदाधिकारी, सभी उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त सभी की उपस्थिति में हुआ है। और ये आज एक ट्रायल डेमो इसका देखा गया है, किस तरह का व्यवस्था सभी स्कूल में चालू होने वाली है। 22 स्कूल का हम लोग चयन किया है। हर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जिला फंड देगा, और पूरा जो टीचिंग मटेरियल होगा, जो वीडियो होगा, वो सभी मुफ्त में टाटा के CSR विंग क्लास एड्स के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी सभी स्कूल्स में इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए झम के माध्यम से अभी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि विश्व युवा दिवस 12 जनवरी के पहले हम लोग वहाँ प्रोक्योरमेंट तैयार करके वहाँ का सिस्टम तैयार हम लोग कर देंगे। तो 12 जनवरी को 22 स्कूल से ये पूरे कार्यक्रम का
चालू होना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक विशेष व्यवस्था ये भी है कि जो स्टैंड अलोन जो क्लासरूम्स जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो झारखंड का हमारा जो सिलेबस है उसी के हिसाब से बनाया गया है, हिंदी भाषा में भी है, तो यहाँ के बच्चों को जो भी वीडियो देखेंगे वो कहीं ना कहीं उसको परीक्षा में अपना करिकुलम में उसको फायदा आएगा। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम भी इसी व्यवस्था को यूज करते हुए हम क्रिएट किए हैं, जहाँ यहाँ के अच्छे टीचर या पदाधिकारी क्यों ना हो, पत्रकार मित्र क्यों ना हो, कोई ना कोई व्यक्ति अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो एक स्लॉटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, ताकि लाइव के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक कमरा यहाँ भी तैयार किया जाएगा। इन्हीं सिस्टम से जो टाटा का भी जो सिस्टम हम लोग लगाने वाले हैं कंप्यूटर्स का, इसी के माध्यम से यहाँ वो अगर क्लास लेंगे तो 2200 स्कूल में एक ही साथ सभी बच्चे वहाँ बैठ के वो सीख सकते हैं। स्पेशली मैं मानता हूँ कि एग्जाम्स के पहले जो इंपॉर्टेंट रिविजन प्रक्रिया होता है, एग्जाम के लिए तैयारी होता है, ये सब चीज़ों के लिए मानता हूँ कि बहुत बहुत उपयोग होगा यहाँ इस चीज़ का, और इसको धीरे धीरे हम लोग रोल आउट करके 50 स्कूल तक बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि इस नई तकनीक से युवाओं को काफी लाभ मिलेगा, युवा शिक्षा को बोझ समझने की बजाय आनंद उठाकर बहुत कुछ सीख सकेंगे। आज जो डिजिटल क्लासरूम प्रकार से यहाँ समाहरणालय में उद्घाटन हुआ है, ठीक है, इस तरह का अपने सिंहभूम जिला के कोशिश हो रहा है कि प्रत्येक स्कूलों में डिजिटल क्लास हो, और इसमें अभी जैसे हम लोगों ने देखा विभिन्न सभी सब्जेक्टों का इसमें स्टडी है, पढ़ाई है, जिसमें से आप लोगों को अभी बताया गया है, इससे निश्चित रूप से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टिंग जगेगा। मुझे लगता है ये एक अच्छा सफल प्रयास है, ये सभी स्कूलों में हो जाने से यहाँ के बच्चों को एक अच्छा शिक्षा विभिन्न विषयों का मिल सकता है। हम लोग बेसिकली यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी बच्चे और बाकी अन्य बच्चे जो हैं, जिनको सच में अच्छे माध्यम से पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, अच्छे शिक्षकों की और जो शिक्षक उनके पास भी समय कम होता है, कक्षा का अभाव होता है, इन सबको दूर करने के उद्देश्य से हम लोग इसको लॉन्च किए हैं। कोशिश यही रही कि सभी विद्यालयों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, गेम जोन, ये सब के तरीके से थोड़ा उत्सुकता से, जिसे बच्चों में जागरूकता है, उत्सुकता है कि हमको भी स्कूल जाना है। मकसद हमारा अच्छा क्लास प्रोवाइड करना तो है ही, साथ ही साथ अटेंडेंस इंप्रूव करना, एक कल्चर डेवलप करना स्कूल्स में कि पढ़ाई लिखाई का जो कल्चर है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, साफ सफाई का कल्चर जैसे हम लोगों ने कुछ वर्षों में डेवलप किया, वैसे एक कल्चर डेवलप करना है पढ़ाई लिखाई का हर एक विद्यालय में, इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। आशा है कि हम लोग सिविल सोसाइटी से लोगों की मदद चाहेंगे, जो लोग आकर यहाँ क्लास ले सकें, ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, कोई बैंक में है, कोई टाटा स्टील में है, ऐसे कोई भी पदाधिकारी हैं, कोई पत्रकार मित्र हैं जो सच में इच्छुक हैं पढ़ाई को लेके, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो लोग आएँ, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। ये बच्चे हमारे ही हैं, इसी जिले के हैं, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले साल जो बोर्ड का रिजल्ट हो उसमें हम लोग कम से कम 10-15% की वृद्धि ला सकें। किरीबुरु थाना पुलिस ने जाली नोट का कारोबार करने के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 28,000 रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक पेट्रोल पंप पे जाली नोट देकर पेट्रोल भरा रहा है। सूचना मिलने पर टीम का गठन कर मीट कारोबारी यार मोहम्मद को हिरासत में ले लिया गया। यार मोहम्मद के बयान पर चंपुआ निवासी संजीव कुमार गिरी और चितरंजन बेहरा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपी से 16,500 और 11,000 रुपए यार मोहम्मद से बरामद किया गया। अत्यधिक शराब के सेवन कर ट्रक पर चढ़ने के दौरान गिर जाने से ओडिशा के कटक निवासी ट्रक चालक रामचंद्र सोई की मौत हो गई। कटक निवासी रामचंद्र सोई पारादीप से कोयला लेकर जमशेदपुर से सरायकेला होते हुए बड़बिल जा रहा था। सरायकेला रोड में चैवासा पहुंचने पर शुक्रवार की रात्रि एक लाइन होटल में शराब पी लिया। शराब पीकर ट्रक पर चढ़ने के दौरान सर के बल गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वो दारू ज्यादा पी लिया था, उधर ढाबा पे कुछ चोट लग गया, उसको एम्बुलेंस में इधर लेके आया था। क्या से चोट लगा है, कैसे कैसे हुआ है मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा एक की मालिक का गाड़ी है, उसका गाड़ी जो मालिक का है मेरा भी उसी मालिक। एक्सीडेंट हुआ कि गिर गया? नहीं, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ नहीं, गिर गया, गिर गया। दादा थोड़ा दारू पी लिया था। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।